बीजेपी ने राम को ऑथराइज करके उसको यूज कर रहा है। बीजेपी राम का प्रोडक्ट नहीं है, बीजेपी हिंदुत्व का प्रोडक्ट है। मैं भी हिंदू, मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ, लेकिन इस पर बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का कॉपीराइट नहीं है। आपको लगता है कि राम जी के नाम अगर छोड़ करके बीजेपी सरकार लड़े तो जीत नहीं पाएगी? दिखाई नहीं देगी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, एकदम दिखाई नहीं देगी। राम को हटा के बोले लड़ते। एक कहावत है, अरे ओ दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, जीत लो मन को, पढ़ लो गीता, मन ही हारा तो क्या जीता। अगर कोई मेरा मुस्लिम मित्र प्रॉब्लम में रहेगा तो मैं राम मंदिर का मंदिर को देखकर उसे खुशी नहीं हो सकता। जो रिव्यू आया ज्यादा, जो रिव्यू आया 370 और राम मंदिर को देखकर, वो क्या खाने को देगा, रोजगार देगा? आपका नाम क्या? रितेश जसवाल। आपको खुशी नहीं है राम मंदिर बना? आप कैसे हिंदू? हिंदू है तो राम से हिंदू क्या क्या है? मंदिर तो मंदिर भी बना, मस्जिद भी बना, सब बन रहा है। राम बनने से राम को लेकर तो बिजनेस कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ की मीडिया क्या पूछती है, मोदी जी आपके चेहरे में इतनी चमक कैसे है, आप क्या खाते हैं, क्या लगाते हैं? तो देश की जनता तो परेशान है। यूपी में जाकर देखिए आप, यूपी में क्या हाल है, गरीबों का घर तोड़ा गया है वहाँ पर। तो क्या जुल्म करने के लिए बनाए हैं सब? हमारे बंगाल में जब से दीदी की सरकार है, ये आज तक अभी आप लोगों ने देखा कभी हिंदू मुस्लिम या कहीं पर ये सब हुआ है? कभी नहीं हुआ है। यहाँ पर सब मिलजुल कर रहे थे। ये देखिए, ये भी हिंदू है, ये भी, मैं भी मुसलमान हूँ, ये भी हमारी जो दीदी है, हम सब मिल के रहते हैं जी। यस, हम लोग कभी भी ऐसा, हम लोग के अंदर में भेदभाव नहीं है, हम लोग हमेशा मिल कर रहते हैं। यहाँ राम मंदिर, रामनवमी में पानी वानी जितना भी तब रुका, आपकी बार मोदी तड़ी पार, जैसे अमित शाह तड़ी पार हुए थे, इस बार मोदी तड़ी पार होंगे, बीजेपी की पूरी पार्टी तड़ी पार होगी इंडिया से। अब आपको लगता है कि इस बार सत्ता पलट होगा और मोदी जी हैट्रिक से? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बड़ा बात है, अमित शाह बोलते हैं अब की बार 400 पार नहीं, इस बार बीजेपी आर पार हो जाएगी। अब की बार मतलब बीजेपी की सरकार, बीजेपी तड़ी पार हो गई, तड़ी पार। जैसे अमित शाह तड़ी पार हुए थे गुजरात से, इस बार मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख इंडिया की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाए जा रहे हैं और देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। भगवान को भी ये लोग यूज करते हैं, हम लोग का हिंदुत्व का ये एक भगवान है, उनको यूज करना, मुस्लिम विरोधी बनाना, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जिसका इच्छा रहेगा वो बोलेगा, जिसका इच्छा नहीं रहे ये तो हृदय से निकलता है। ये तो हिंदू की भी पूजा करते हैं, बहुत मुस्लिम है जो, हम लोग भी जो है, हम लोग मजार जाते हैं, हम लोग भी जो मंदिर जाते हैं, अच्छा, हम लोग भी जो मंदिर जाते हैं, जो मुस्लिम लोग भी है, जैसे वो लोग भी जाते हैं हम लोग के साथ मंदिर। देखिए हम लोग जैसे एक दूसरे, हम हिंदू है मुस्लिम है, बट हम लोग फ्रेंड तो है, आप लोग में प्रेम है। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा उसको तोड़ने की कोशिश? हाँ, कोशिश करेगी। आप लोग को नहीं तोड़ पाई क्या? आप लोग का भाईचारा को तोड़ नहीं, क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं इसलिए नहीं तोड़ पाए। जो अशिक्षित होते हैं वो लोग, हम लोग के पास दिमाग है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री बने वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि जैसे राहुल गांधी है, ठीक है, हमारी दीदी है, ग्रेजुएट है, डिग्री दिखाया उन्होंने। हाँ, डिग्री, वैसे डिग्री हम लोग बनवाले, ठीक है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं नूर आलम। आपने जैसा देखा कि हम लोग 2024 चुनाव को लेकर के अपना कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं कि 2024 चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है, 2024 में कौन, अभी फिलहाल उसको लेकर के हम लोग कोलकाता के शाम बाजार इलाके में पहुंचे हैं। और देख सकते हैं मेरे पीछे महाराजा शिक्षा कॉलेज का बोर्ड है, यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट हैं। जिस तरह आप लोगों ने देखा, हम लोग ज़्यादातर युवाओं से बात कर रहे हैं कि युवा क्या सोचते हैं, और जहाँ तक हमारा मानना है कि युवा अगर सबसे ज़्यादा शिक्षित हुआ अगर मिलेंगे तो कॉलेज के बाहर मिलेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कॉलेज के सामने खड़े हैं, कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इनका क्या मानना है कि 2024 में किसकी सरकार बन रही है। भाई आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन आ रहा है इस बार? भाई इस बार 2024 में किसकी सरकार होने वाली है? सरकार तो इंडिया की होने वाली है, पाकिस्तान में तो रहते नहीं है, रहते तो है भारत में, तो इंडिया की सरकार होने वाली है। मतलब क्या, इंडिया गठबंधन? जी, इंडिया गठबंधन की सरकार होने वाली है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी नेत्री ममता बनर्जी का रहेगा। क्यों, आपको क्यों लगता है कि मोदी जी इस बार हैट्रिक नहीं कर पाएंगे? देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं जिस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ या हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं, यहाँ बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, ठीक है। राम ने आपका नाम बता दें? मेरा नाम है लाल साहेब गुप्ता। अच्छा, ठीक है। एक कहावत है, अरे ओ दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, जीत लो मन को, पढ़ लो गीता, मन ही हारा तो क्या जीता। अगर कोई मेरा मुस्लिम मित्र प्रॉब्लम में रहेगा तो मैं राम मंदिर का मंदिर को देखकर उसे खुशी नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं, लोगों में काफ़ी खुशी है कि जो मुद्दा सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, चाहे 370 का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, बीजेपी ने ख़त्म किया है, और शायद ये सारी देख करके लोग वोट करें। बीजेपी ने राम को ऑथराइज करके उसको यूज़ कर रहा है। बीजेपी राम का प्रोडक्ट नहीं है, बीजेपी हिंदुत्व का प्रोडक्ट है। मैं भी हिंदू, मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ, लेकिन इस पर बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का कॉपीराइट नहीं है। तो इसको देखकर मेरे हिसाब से कोई भी शिक्षित युवा कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। आप बोल रहे शिक्षित युवा, अभी कई एक कॉलेज में हम लोग गए, स्टूडेंट्स का कहना है कि इस बार जिस तरह से, जैसे एक भाई ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, एजुकेशन सेक्टर में काम हुआ, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से जी सबमिट हुआ, और भी बहुत सारे मामले हैं। इंडिया का पूरे विश्व लेवल पर जिस तरह से हिंदुस्तान की गरिमा बढ़ी है, मोदी को वैल्यू दिया जाता है, इंटरनेशनल फेस बने आज मोदी, उन सारे मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। और
मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाएंगे, आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं। मोदी जी को सिर्फ एक और एक काम आता है, जानते हैं क्या? ब्रांडिंग। वो देश के समस्त काम को रोककर सिर्फ अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ब्रांडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी एडुकेटेड पर्सन है, वो मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को कभी भी अपना वोट देगा। आपको क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से कई लोगों का कहना है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तो लोग ये देख करके वोट करेंगे? लोग निकल कर वोट करेंगे। जब भी कोई सरकार परिवर्तन होता है, या तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है या तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कमता है। मेरा आशा है कि इस साल वोटिंग परसेंटेज अपने पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़कर बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होने वाला है, ताकि इंडिया की सरकार भारत में स्थापित हो सके। हम लोगों ने जब सवाल उठाए थे महंगाई को लेकर के, तो कई लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ी है तो रोजगार भी बढ़े हैं, आमदनी भी बढ़ी है, तो जब महंगाई बढ़ती है तो आमदनी भी बढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है ये बात सही है? देखिए, महंगाई का भंडार सिर्फ अशिक्षित के ऊपर फोड़ा जा सकता है, ठीक है? हम कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, इन्फ्लेशन एक चीज़ होता है। किसी गाड़ी को अगर हम 2011 में 2 लाख रुपया में खरीदते थे, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से उसका दाम बढ़ा है, महंगाई नहीं बढ़ी हुई है। महंगाई तो जनता को दिखाया जा रहा है कि महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई नहीं बढ़ी हुई है। महंगाई के हिसाब से जो पैसा का रेट है वो सेम है। आपको क्या लगता है, फिर सरकार अगर अब इंडिया जीत करके आती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, उसको तो आपस में जो भी डिसाइड कर लेंगे, इंडिया में जितने सारे गठबंधन हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहूँगा कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी भारत की प्रधानमंत्री बने। अभी आप देख रहे हैं कहीं इंडिया में कहीं और अलायंस जितनी भी है, वो लोग आपसी मतभेद है, कभी केजरीवाल खिलाफ बोलते हैं, अभी आप देखेंगे ममता बनर्जी खिलाफ़ शाहजहाँ वाला मुद्दा को लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने कटाक्ष किया है, तो आपका तो अलायंस में ही मतभेद है, तो कैसे जीतेंगे आप? बीजेपी को कैसे हराएंगे? आप सही बोल रहे हैं, अलायंस में तो दिक्कत है, घर में भी तो दिक्कत रहता है। कल ही मेरे पड़ोस वाले घर में ना बरंडा से घर में हड़िया बर्तन चल रहा था, लेकिन आज सब भाई मिल के बगल वाला को पीट दिया है, तो ये चीज़ तो होने वाला है। बाहर को दिखाने के लिए लग रहा है कि गड़बड़ी है, गड़बड़ी कुछ नहीं है। माने ये दिखावे पे मत जाओ अपनी अकल लगाओ। आप भाई क्या बोल रहे हैं 2024 में कौन? 2024 में ममता बनर्जी आसबे, एवं एटाई हमरा चाहिए जे ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होक और इंडिया जोर जाते दिल्ली अब्दी पहुँचाते पे एवं ममता बनर्जी जाते प्रधानमंत्री होते पे, एटाई हमरा चाहिए। और भी बहुत सारे युवा हैं, थोड़ा भागने की कोशिश करें, इनसे हम लोग बात करें, इनका क्या कहना है? आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? मुझसे ज़्यादा आप बता पाएंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप घूमते हैं। हम लोग तो घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट को देख करके वोट करेंगे और इस बार फिर से मोदी सरकार हैट्रिक करेगी। क्या क्या डेवलपमेंट देखे आप? जिस तरह से रोड का काम हुआ है, देश का स्तर बढ़ा है, इसके अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा लोगों का आ रहा है 370 और राम मंदिर को लेकर, वो चीज करके क्या देश का मुद्दा बढ़ेगा क्या? आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, देखेंगे लोगों का जो रिव्यू आया, ज़्यादातर जो रिव्यू आया 370 और राम मंदिर को देख करके। वो क्या खाने को देगा, रोजगार देगा? आपका नाम क्या? रितेश जसवाल। आपको खुशी नहीं है राम मंदिर बना? आप कैसे हिंदू है? हिंदू है तो राम से हिंदू क्या क्या है? मंदिर तो मंदिर भी बना है, मस्जिद भी बना है, सब बन रहा है, लेकिन राम बनने से क्या? राम को लेकर तो बिजनेस कर रहा हूँ, तो ऐड कर रहा है उसको, राम घटा के बोलिए वोट करने। तो आपको लगता है कि राम जी के नाम अगर छोड़ करके बीजेपी सरकार लड़े तो जीत नहीं पाएगी? दिखाई नहीं देगी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, एकदम दिखाई नहीं देगी। राम को हटा के बोलिए लड़ दे बीजेपी का, तो क्या है बीजेपी का तो कहना है कि हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है, मोदी जी की जो छवि है, मोदी जी के अगेंस्ट में कोई नेता ही नहीं है, अपोजिशन में कोई लीडर ही नहीं है। छवि तो बहुत कुछ होती है, झूठ को भी तो सच बना दिया जाता है। आप बताइए कि मोदी जी अगर प्रधानमंत्री तो फिर कौन? ममता बनर्जी से अच्छा कोई है ही नहीं, क्योंकि बात बोलती और करती है, लड़कियों को कन्याश्री देती है। मोदी क्या दिया है बताइए, मोदी क्या दिया है बताइए? 15 लाख रुपया दिया क्या? आपके अकाउंट में आया है तो मुझको दे दीजिए। वो तो अमित शाह जी ने कह दिया था जुमलेबाजी। हाँ, तो ये भी तो झूठ भी हो सकता है, वो तो हवा में है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको लगता है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्यों नहीं बन सकती? जब मोदी बन सकता है तो ममता बनर्जी क्यों नहीं? यहाँ पे तो अमित शाह कह रहे हैं कि 42 से 35 सीट हम लेकर के जाएंगे। पता था कांग्रेस चला जाएगा कभी नहीं। यहाँ पे मोदी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा था कि 42 में हम 35 सीट लेकर जाएंगे। कई एक बीजेपी दिग्गज नेताओं का कहना है कि हम लोग 20 से प्लस सीट लाएंगे। तो अगर आप 10-20 सीट लाती हैं तो आप, जब वो 200 सीट लाती है बंगाल में, अभी सीएम किसका है? बीजेपी का ही है। जब ला दिया तो 42, वो तो 42 भी ला सकता है। और भी भाई, सबसे पहले बात है कि काम भी देखना चाहिए इंसान को। ये बीजेपी का जो सरकार आया है, सबसे ज़्यादा उन लोगों ने दंगा ही लाया है।
आपने एक मुद्दा और देख लीजिए, बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा देख लीजिए। विनय गुप्ता, विनय जी आपको क्या लगता है कि इस बार जो राम मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है इसके नाम पे लोग वोट नहीं देंगे? मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है मैं उसके फेवर में, मैं उसके साथ हूँ। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली? देखिए सरकार अपनी जगह है, जो अच्छा काम करेगा वो सरकार उसकी बनेगी। मैं जिस स्टेट में हूँ मैं अपने स्टेट के लेके ही सोचता हूँ, मेरे स्टेट में ममता दीदी से अच्छा सरकार मैंने अभी तक तो नहीं देखा। बनर्जी गठबंधन में है तो ऑब्वियसली अगर ममता दी जिस पार्टी के साथ है मैं उनके साथ ही हूँ। आपको लगता है तो इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगी? जी पूरी भारी बहुमत से जीतेगी। आपको क्या लगता है? मुस्लिम गर्ल है, मोदी जी का कहना है कि 3 तलाक से बहुत सी महिलाएं पीड़ित थी, बहुत डिप्रेशन में रहा करती थी, मुस्लिम महिलाओं का हम लोगों ने हक अदा किया, 3 तलाक वाले मामले को ख़त्म किया, तो इसको आप क्या कहिएगा जो 3 तलाक को मोदी सरकार ने हटाया? देखिए जो 3 तलाक मतलब होता है ना, एक अपने फेवर में जो लड़के यूज़ करते थे, लड़कियों को दबाते थे, उसके लिए अच्छा है। अब जो हम लोग जैसे एडुकेटेड है वो तो ऐसे बोलेंगे नहीं जाओ 3 तलाक 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 ख़त्म, ऐसे तो हम लोग करेंगे नहीं। तो जो अनएडुकेटेड इंसान थे जो पहले से मानते थे ये बात, इसके लिए तो हम ऑब्वियसली मोदी जी का सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये काम मोदी जी बहुत अच्छा किया। तो इस बार क्या इस बार मोदी सरकार जाए? नहीं। क्यों? सरकार पे नहीं आ, ममता दीदी आएंगी जी। कैसे ममता दीदी, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं आपका और नीतीश कुमार है, आप बोलिए ममता बनर्जी आएंगी? ममता दी है। कैसे आएंगी? कैसे वो करते हैं कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में इतना कुछ करते हैं, कैसे क्या डेवलपमेंट है, कितना डेवलपमेंट बताइए। कन्याश्री है, शादी के लिए पैसा ये करते हैं। ये तो विधानसभा चुनाव में होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, अब लोकसभा जब चुनाव होगा देश का जो दिल्ली में जाना है, तो आपको लगता है ममता बनर्जी सक्षम है प्रधानमंत्री? स्टेट में इतना कर रहे हैं, अगर वो पूरा इंडिया का पीएम बनेंगे तो आप सोच सकते हैं वो कितना कर सकता है। चलिए एक और भाई जो बात कर रहा था उसमें उठ गया था, हाँ तो क्या बोल रहे हैं, आपको क्या लगता आप है क्या कि 2024 में कौन कौन, हाँ हाँ आप बोलेंगे? 2024 में ऐसी बात है, मैं चाहूँगा कोई भी प्रधानमंत्री बने वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि जैसे राहुल गांधी है, ठीक है हमारी दीदी है जी, ग्रेजुएट है, डिग्री दिखाया उन्होंने, हाँ डिग्री, वैसे डिग्री हम लोग बनवाले, ठीक है कहाँ से। एक बात बोलना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा घटिया हम लोग की यहाँ की मीडिया है। अच्छा। सबसे पहली बात। अच्छा। क्योंकि अभी आप मुद्दा देख लीजिए इसराइल और फलस्तीन का, वहाँ पर मीडिया पहुँच गई लेकिन मणिपुर नहीं पहुँच पाई। अच्छा। ठीक है मोदी जी ने वहाँ ट्वीट कर दिया लेकिन मणिपुर में कुछ नहीं बोला, ठीक है। और आप फॉरेन की मीडिया को देख लीजिए, वो लोग जब अपने प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से जब बात करते हैं तो देश के मुद्दे बात करते हैं, इकोनॉमी के ऊपर, हमारे यहाँ की मीडिया क्या पूछती है, मोदी जी आपके चेहरे में इतनी चमक कैसे है, आप क्या खाते हैं, क्या लगाते हैं? तो इसलिए बोलता हूँ, और जिस देश का हाल अभी ऐसा है, मोदी जी तो क्या बोलूँ, क्या है उनके पास, पढ़े लिखे हैं वो, पढ़े लिखे होते तो बुक्स पे पढ़े लिखो, ये सब कॉलेज में ये सब जो होता है पढ़ाई लिखाई होती है, बुक्स कॉपी पे GST देख लो आप किस देश। मोदी जी से पहले जितना दुनिया में हिंदुस्तान का डंगा बज रहा कभी बजता था, जिस तरह से मोदी अभी आप देख ले, दुबई का जो शेख है मोदी जी से मिलता है, उनको गरिमा को बढ़ाता है, आप बोल रहे मोदी जी कुछ भी, मोदी जी के नेर में तो हम लोग की उम्र सिर्फ 9 साल है, 10 साल की उम्र है, उनको लगता है कि 2014 से ही इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट हुआ है आज़ाद हुआ है उनकी नज़र में। आप अगर मुद्दा उठा लो किसी चीज़ का, गुजरात में दंगा कराया तो आप NRC कर देते हैं, अब से मुद्दा उठा लो मणिपुर का तो आप CA कर देते हैं, आपसे और किसी चीज़ के बारे में पूछ लो तो आप राम मंदिर, ठीक है ये सब करते हैं, देश में दंगा करवाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैजान कुरैशी। फैजान साहब आपको लगता है कि इस बार सत्ता पलट होगा और मोदी जी हैट्रिक से बच? बिल्कुल होगा। सबसे बड़ा बात है अमित शाह बोलते हैं ना, अब की बात 400 पर 400 पार नहीं, इस बार BJP आर पार हो जाएगी। अब की बार मतलब BJP की सरकार नहीं, BJP तड़ी पार हो गई, तड़ी पार, जैसे अमित शाह तड़ी पार हुए थे गुजरात से, इस बार मूर्ख बना रहे हैं, मूर्ख इंडिया की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाए जा रहे हैं और देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं ना, कि कटना कैप लगाती है लक्ष साबुन, सब लक्ष साबुन, कटना कैप सही में लक्ष साबुन लगाती है? वही बताया, हम तो बता नहीं लगाती, उसे वो ऐड है, झूठ को ऐड का दरकार पड़ता है, इसीलिए BJP का कोई
बोलिए मैडम। राम भगवान को भी ये लोग यूज करते हैं, हम लोग का हिंदुत्व का ये एक भगवान है, उनको यूज करना, मुस्लिम विरोधी बनाना, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जिसका इच्छा रहेगा वो बोलेगा, जिसका इच्छा नहीं रहे ये तो हृदय से निकलता है। ये तो हिंदू की भी पूजा करते हैं, बहुत मुस्लिम है जो, हम लोग भी जो है हम लोग मजार जाते हैं, हम लोग भी है जो मंदिर जाते हैं, टीशा शाह, हम लोग भी है जो मंदिर जाते हैं, जो मुस्लिम लोग भी है जैसे वो लोग भी जाते हैं हम लोग के साथ मंदिर। देखिए हम लोग जैसे एक दूसरे, हम लोग हिंदू है मुस्लिम है, बट हम लोग फ्रेंड तो है, अभी भी आप लोग में प्रेम है। हाँ, है। तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा उसको तोड़ने की कोशिश करेगी? हाँ, कोशिश करेगी। आप लोग को नहीं तोड़ पाई क्या? आप लोग का भाईचारा को तोड़ नहीं पाई? नहीं, क्योंकि हम लोग तो पढ़ी लिखी है इसलिए नहीं तोड़ पाई, जो अशिक्षित होते हैं वो लोग, हम लोग के पास दिमाग है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, लड़ाने से थोड़ी होता है, घर को लड़ा दो और हो जाएगा। भाई बहुत बोल रहा था भाई आपको, बीजेपी की कुछ ऐसी खामियां बताए जिसको देख करके नौजवान वोट ना करें? बीजेपी जब से आई है हर जगह दंगे होते हैं, जैसे कि आपने देखे जब 2019 के इलेक्शन में जहां दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, उसके बाद एनआरसी को लेके अनुराग ठाकुर ने वहां दंगा लगवाया, वहां उन्होंने बोला गोली मारो सालों को ऐसा बोला, वहां मिजो मणिपुर में जब वहां के लोगों ने विरोध किया बीजेपी का, वहां दंगा लगा दिया गया। ऐसे हमने देखा है हमारे बंगाल में भी बीजेपी के जब कर्मी लोग आते हैं बंगाल में विद्यासागर का मूर्ति तोड़ा जाता है, ऐसे इंडिया के मल्टीपल एरिया में रेप्स होता है, जिसने हमारे गांधी जी को मारा उनका ये पूजा ले, मल्टीपल एरिया में रेप्स होता है। हम लोगों ने सप्ताह दिन पहले गणेश टाकी में एक शिक्षित महिला थी, वो कुछ दिनों पहले लंदन से वापस आई थी, घूमने गई थी, विजिटर थी, उनका कहना है कि हम लोग मोदी जी के राज में सुरक्षित है, वी आर फीलिंग सेफ इन द गवर्नमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो आप बोल रहे हैं ये नहीं है, औरतें कह रही हम सुरक्षित। अच्छा, तो यूपी में एक हफ्ते पहले जो रेप केस हुआ, क्या आप वहाँ पे गए थे जिनके साथ रेप हुआ, आप उनका इंटरव्यू लिया जैसे अभी ले रहे हैं? हम लोग तभी रेप हुआ वहाँ जाके इंटरव्यू लीजिए, अब रास्ता चलते किसी का भी लिया वैसा तो नहीं होता है ना। औरतें कह रही हैं कि हम लोग सेफ हैं, आपको उनका रेप हो रहा है वो क्या हो रहा है, मतलब पुलिस क्या झूठा केस लिख रही है? ये तो घटनाएं हर दुनिया में हर जगह होती है, हिंदुस्तान में भी नेताओं ने किया है, 3 IT सेक्टर के उनको जो नेता है उन्होंने किया है, जिनका फोटो आया अमित शाह के साथ उन लोगों ने किया रेप। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग बीजेपी का नेता का समर्थन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, बीजेपी जितना जितना रेप्स वगैरह होता है ज़्यादातर में देखिएगा यूपी वगैरह में बीजेपी के नेता होते हैं, युवा नेता वहाँ के रेप्स करते हैं। ये मुद्दे रहेंगे नौजवानों के लिए? हाँ, जरूर मुद्दे रहेंगे, हमारी माए बहनों की इज्जत हमारी इज्जत है, इसलिए आपने अभी देखा, आप बता रहे थे कि अभी योगी जी के ऊपर जो बोला था कि यहाँ पर योगी जी ऊपर राम मंदिर का लेकर जो मुद्दा उठा था, राम मंदिर के लेकर जो बोला था, दो मुसलमानों ने उन लोगों पर हमला करने की धमकी दी है, तो वो भी तो हिंदू निकले लास्ट में। आपने देखा अभी मैं कुछ कि 2024 के चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये पूरी माहौल बनाने पूरी साजिश खेल रहे हैं, ऐसा बनाते हैं। 2014 में जब इनकी सरकार बनी, जब इन्होंने बनाया कि हम लोग रोजगार देंगे रोजगार देंगे, रोजगार तो दिया नहीं, जब आया 2019 तो इन्होंने वो करवा दिया, अरे नहीं नहीं जो पुलवामा अटैक करवा दिया वो मुद्दा बना, ये भी इन लोग की अभी 2024 की अब सरकार आ रही है, इसमें इन्होंने राम मंदिर को मुद्दा बना दिया, अभी मुद्दा बना के रखा हुआ राम मंदिर। देर पहले आपने बोला था कि मोदी जी गए हैं, क्या बोलते हैं आप, दुबई गए थे, वहाँ के पीएम से मिलकर आए, शेख साहब से मिलकर आए, पीएम बनते क्यों हैं आप, थोड़ा ये बता सकते हैं हमको? देश के काम करने, देश के काम के लिए, दूसरा दूसरा देश घूमने के लिए, देश की जनता तो परेशान है, यूपी में जाकर देखिए आप, यूपी में क्या हाल है, गरीबों का घर तोड़ा गया है वहाँ पर, तो क्या जुल्म, जी जुल्म करने के लिए बनाए मदरसा भी हमारे बंगाल में जब से दीदी की सरकार है, ये आज तक अभी आप लोगों ने देखा कभी हिंदू मुस्लिम या कहीं पर ये सब हुआ है? कभी नहीं हुआ है, यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, ये देखिए ये भी हिंदू है, ये भी मैं भी मुसलमान हूँ, ये भी हमारी जो दीदी है, हम लोग सब मिलजुल कर सब मिल के रहते हैं जी, यस, हम लोग कभी भी ऐसा हम लोग के अंदर में भेदभाव नहीं है, हम लोग हमेशा मिल कर रहते हैं। यहाँ राम मंदिर रामनवमी में पानी वानी जितना भी रमजान में, अब की बार मोदी तड़ी पार, जैसे अमित शाह तड़ी पार हुए थे, इस बार मोदी तड़ी पार होंगे, बीजेपी की पूरी पार्टी तड़ी पार होगी इंडिया से। मैंने सोचा जैसे गठबंधन हुआ है, इस बार अगर हमारी दीदी पीएम बनेगी तो इस बार बेटर ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बंगाल के लिए बहुत कुछ किया है, आप देख सकते हैं, आप खुद देखिए इस चीज़ को,
और बात आप लोग कह रहे थे बेरोजगारी बढ़ी है, जबकि हम लोगों ने जब रिव्यू किया कई एक युवाओं से मिले, युवाओं का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है इससे रोजगार बढ़ेगा। रोजगार और कहाँ रोजगार जरूर करते हैं, हम लोग के पास तो कोई रोजगार नहीं है। 2020 में ममता बनर्जी की सरकार के अंदर में अगर ये सब होता तो हम लोग खुद आपको बोलते, क्योंकि हम लोग जनता है। जो जो सरकार हम लोगों के लिए काम करेगी हम लोग उसकी तारीफ करेंगे। और आप भी देख रहे हैं, आप एक बात बताइए, अभी जो यूपी में इतना जुल्म हो रहा है उसको दिखाया जाता है? मीडिया ने कभी ये कहा कि ये गरीबों का घर तोड़ा गया है या उसको आप ये बनाए या कुछ करें, ऐसा कुछ सुना आपने? इसीलिए तो रवीश कुमार ने एक गोदी मीडिया का टैग लाइन कर दिया। बहुत से ज़्यादा ऐसे पत्रकार हैं जो सच नहीं दिखाते हैं, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो सच्चाई को दिखाते हैं, जमीनी स्तर को, खबर को दिखाते हैं। जो सच्ची बात करते हैं उनको तो बैठा दिया रवीश कुमार का, चाली नहीं बनकर। अभी मुझसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर अभी आप जाकर कोई मोदी जी के बारे में गलत बोल देंगे आप तो आपकी जमानत जब्त है, जब्त है और हम लोग की भी जब्त हो जाएगी। लेकिन ये बंगाल है दीदी, यहाँ पर बीजेपी का राज नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जो है यहाँ की, यहाँ स्टूडेंट लोग सब एजुकेटेड है, सिर्फ 42 सीटें हैं, 42 में 42 तृणमूल को दे दे अगर यहाँ की जनता, तो क्या लगता है कि मोदी की सरकार को हिला पाएगी और वहाँ पे इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी? ये भाई बोल आपको बताना चाहेंगे, बीजेपी ने जब पहला इलेक्शन जब उस टाइम बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, 2 से आज 350 पार हुए थे, ठीक है। उस टाइम 42 से हम लोग शुरुआत करेंगे, हम लोग अपना दीदी का हाथ मजबूत करेंगे, दीदी को वोट देकर 42 जब होगा। बाहर में इलेक्शन है, लालू जी का पार्टी है बाहर में, राहुल जी का पार्टी है, वहाँ से वो लोग हाथ मजबूत करेंगे। चलिए मेरा चलते थे एक बात करेंगे, इस बार आप लोगों का चुनाव का मेन मुद्दा क्या होगा वोट देने का? आप भी रेडिन प्लस हैं, मुद्दा सिर्फ बताएं कि किस चीज़। देखिए बंगाल में रोजगार सब है, यहाँ पर भेदभाव के नाम पर कुछ काम नहीं होते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप भी देख रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप देखते हुए जो सच है उसको टीवी पर दिखाएं, यही बेटर होगा। अभी आपने देखा यूपी में जो इलेक्शन हुए थे वो बंगाल के पीछे लग गए, क्योंकि उन लोगों की बस की नहीं जो दीदी से सक पाए, पूरा यूपी छोड़कर। का तो कहना है यहाँ पे लॉ ऑर्डर पालन नहीं हो रहा, ईडी और सीबीआई को खदेड़ करके मारा जा रहा है, यहाँ की जनता मारी है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। अच्छा तो ये मोदी जी ने ईडी और सीबीआई तो मोदी जी ही भेज रहे हो राज्य में, तो ईडी सीबीआई पीटा जा रहा है। तो यहाँ की जनता से पूछे ना आप, ये तो जनता पीट रहे हैं, क्योंकि जनता होते हैं डिसाइड करने वाले, मोदी जी तो कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले, ये तो जनता पीटेगी ना, क्यों आएंगे, ये तो जनता डिसाइड करेगी। आप यहाँ की जनता से पूछे, यहाँ पर मेरे साथ हिंदू भाई मुस्लिम भाई सभी है, मेरे बहन भाई, आप लेकिन एक बार पूछे कि यहाँ पर क्या भेदभाव के नाम पर काम होता है? दीदी ने आज तक ऐसा काम किया है? सब गरीबों की मदद करी है। इस बार नौजवानों का मुद्दा होगा रोजगार और महंगाई। हमें এটা চাইবো যে ধর্মের নামে যে অপপ্রচারটা চালাচ্ছে বিএবি সরকার সেটা যাতে না চালায়। আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে রাম মন্দিরটা নিয়ে খুব কথা হচ্ছে, ঠিক আছে। রাম মন্দিরে রামের কথা ছিল যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমরা যে মানবাধিকার, যে মানে মানুষের কথা বলবো, সেটাই তিনি বলতে চেয়েছিল। কিন্তু এখানে একচেটিয়া শাসনতন্ত্র তিনি ছড়াতে চাইছে এবং মানুষের মধ্যে ধর্মের সুশুড়ি দিয়ে মানুষের মধ্যে একটা জাতিগত দাঙ্গা দেখানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সাথে থাকা এবং মানুষের পাশে থাকা। সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি আমাদের সাথে সবসময় থেকেছেন এবং পাশে থেকেছেন এবং ছাত্র যুবর সাথে সাথে মানুষের কথা বলেছে। তাই আমরা চাইবো 2024 লোকসভায় তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে দিল্লিতে যেতে পারেন এবং আমাদের দেশে সুশাসন আনতে পারেন। এটাই